हेलो फ्रेंड्स, रोज रोज वही रोटी सब्जी बनाने से और खाने से अगर आप बोर हो गए हो तो एक बार मेरे कहने पे गूथे हुए आटे का इतना हेल्थी और टेस्टी नाश्ता जरूर बना के देखेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हरी चटनी बनाएंगे। यहाँ पे हमने हरा धनिया ले लिया है, उसी के बराबर हमने पुदीना लिया है, दो हरी मिर्ची ले लेंगे, आधा चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक, दो चम्मच हमने यहाँ पे फ्रेश दही लिया है। अब इसको ढककर मिक्सी के जार में इसे पीस लेंगे। चटनी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। इसे हम एक कटोरी में डाल देंगे और इसे साइड में रख लेंगे। अब हमारे पास बचा हुआ आटा था तो उसमें हम दो छोटे चम्मच तेल के डाल देंगे। यदि आपके आटे में नमक नहीं है तो आप उसमें नमक डालकर, तेल डालकर इस तरीके से मसल मसल के इसे सॉफ्ट कर लेना है। इस आटे में नमक डाला हुआ था तो हमने इसमें नमक नहीं डाला है। अब इसे अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। अब यहाँ पे एक बड़ी कटोरी में हमने एक कप बेसन ले लिया है, इसमें हमने आधा चम्मच नमक डाला है, एक चौथाई चम्मच अजवाइन डाल देंगे और एक कप पानी लेकर इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका एक घोल बना के तैयार कर लेंगे। बेसन के इस घोल को हमें पतला नहीं करना है। अब बेसन में हम थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है, एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, दो कुटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे, कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्ची डालेंगे, यदि आप तीखा कम खाते हो तो थोड़ा सा कम डालें, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चौथाई चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही गाढ़ा हो गया है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और हल्का सा इसे पतला करेंगे। अब यहाँ पे जो गुथा हुआ आटा था उसे हम ले लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। इस आटे को हम दो भागों में बांट लेंगे और इस तरीके से आटे को सॉफ्ट करते हुए एक लोई बना के तैयार करेंगे। अब बेलन से इसे बेलेंगे। एक रोटी बना के हमें तैयार करनी है। अब इसे हमें ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बनानी है और ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी है, यानी इस तरीके से मीडियम रोटी बना के तैयार कर लेनी है। अब हरी चटनी को हम चम्मच से रोटी के ऊपर इस तरीके से फैला देंगे। रोटी के चारों तरफ से हम इस तरीके से चटनी को एक लेयर लगा देंगे। अब जो बेसन का घोल बनाया हुआ था उस बेसन को भी हम इसी के ऊपर इस तरीके से फैलाते हुए इसका लेप लगा देंगे। अब इस रोटी में हमें दोनों हाथों का उपयोग करना है तो इस तरीके से हमें गोल गोल घुमाते हुए इसका एक रोल बना के तैयार करना है। यदि इसका मसाला बाहर निकल रहा है तो आप थोड़े से चम्मच से इसको मसाले को कम कर सकते हैं। तो लास्ट वाले जो पार्ट है इसमें हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरीके से चिपका के थोड़ा सा पॉलिथीन लेके हल्का सा इसे गोल गोल घुमाते हुए इसका रोल बना लेंगे। अब चाकू से हम इस तरीके से दो दो इंच के शेप में काट लेंगे। तो देखिए, ये इस तरीके से बना है। अब दूसरी लोई की रोटी को भी हम इसी तरीके से बेल लेंगे। इसके ऊपर डालेंगे हम हरी वाली चटनी। अब बेसन वाले घोल को इसके ऊपर डाल देंगे। पहली वाली ग्रीन चटनी डाली है और दूसरी बार यहाँ पे बेसन के घोल को डाल देंगे। अब इसे गोल गोल घुमाते हुए इसका रोल बना के तैयार कर लेंगे। इसे हमें हल्के हाथों से ही गोल गोल घुमाना है, नहीं तो इसका मसाला बाहर निकल जाएगा। अब ये देखिए, सबसे जो लास्ट वाला पार्ट है इसके ऊपर हमने पानी लगा लिया है और इस तरीके से हमने इसे चिपका लिया है। थोड़ा सा पॉलिथीन ले लेंगे और गोल गोल हल्का सा हमें घुमा लेना है और चाकू से इस तरीके से हमें काट लेना है और सारे के हमें छोटे छोटे रोल बना के तैयार कर लेना है। अब हमारे पास जाली का इस तरीके का बर्तन है तो इसके अंदर हमने तेल ग्रीस कर दिया था, इसी के ऊपर छोटे छोटे रोल को रख देंगे। यदि आपके पास दूध का ढकने का प्लेट है तो उसे भी यूज़ कर सकते हो।
अब एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर डालेंगे पानी और इसी के ऊपर इस बर्तन को रख देंगे और इसके ऊपर रखेंगे परात, ढक देंगे इसको। आटे के इस रोल को हमें स्टीम करना है, यानी 30 से 40 मिनट तक हम इसे भाप में पकने देंगे। अब देखिए ये रोल बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टीम हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद दो सूखी लाल मिर्ची डालेंगे, एक चौथाई चम्मच हींग डालेंगे, आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच तिल डाल देंगे और यहाँ पे थोड़े से मीठे नीम के पत्ते डालेंगे। अब यहाँ पे जो आटे के रोल बनाए हुए थे उसे भी डाल देंगे और 5 मिनट तक हम अलटते पलटते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और ये देखिए गूथे हुए आटे का बहुत ही टेस्टी और हेल्थी नाश्ता बन के तैयार हो गया है। इस नाश्ते को आप फ्रेश आटे से भी बना के खा सकते हो। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इसे आप टोमेटो सॉस से भी खा सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। या फिर आपका मन करे दही से, ग्रीन चटनी से या टोमेटो सॉस से, जिसे आप चाहें उसे खा सकते हो।